इंदौर में रोजगार दिवस पर माणिक बाग के अमरदास हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने टॉय क्लस्टर का शिलान्यास किया, साथ ही उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं भी इस मंच से की। मंच से सीएम ने जनवरी 2023 में इंदौर में एनआरआई समिट और उसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने की घोषणा की। इसके अलावा सीएम ने 3 सितंबर को भोपाल के जम्बूरी मैदान में चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए भी एक कार्यक्रम का आयोजन करने का ऐलान किया। 3 सितंबर को 16,000 शिक्षकों को जिनका चयन हुआ है, मैं भोपाल के हमारे जमुरी मैदान में ही उनको नियुक्ति पत्र देके पढ़ाने के लिए विदा करूंगा। पुलिस की भर्तियां चालू है, अलग अलग किन किन विभागों में कितने मौके मिल सकते हैं बच्चों को, उसका असेसमेंट हमने किया है। 1,00,000 सरकारी नौकरियां 1 साल में देंगे। ओम प्रकाश सकलेचा ने इंदौर में आकार लेने वाले टॉय क्लस्टर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इंदौर में मात्र 3.5 हेक्टेयर में बन रहे टॉय क्लस्टर में 22 फैक्ट्रियां लगेंगी, जिसमें 2100 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में निवेशकों को न्योता देने के लिए इंदौर में 7, 8 और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय समिट का आयोजन होगा। इसके बाद इंदौर में ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि हमारा फोकस मध्य प्रदेश के बेटे बेटियों को रोजगार देने पर है। मेरे बेटा बेटियों, हमारा फोकस है रोजगार। मेरी बहनें बैठी है सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी, हम लगातार उनको रोजगार से लगाने का काम कर रहे हैं। फल सब्जी बेचने वाले फुटपाथ पे हाथ ठेला में सामान रख के छोटा मोटा काम धंधा करने वाले, छोटी मोटी दुकान चलाने वाले, वहां से लेके स्टार्टअप तक, हमारे वो बच्चे जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज हैं उनके स्टार्टअप शुरू करवाने तक हमारा संकल्प है, हम उनके साथ खड़े रह के उनका काम धंधा चालू करवाएंगे। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि सरकार महिलाओं को बैंकों से अलग अलग योजनाओं के तहत लोन दिला रही है। हितग्राही को लोन पर केवल 2% का ब्याज देना है, बाकी उनका भाई शिवराज देगा और बीजेपी की सरकार देगी। कुछ काम महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं, इनमें स्कूल यूनिफॉर्म और पोषण आहार बनाने का काम शामिल है। मेरा लक्ष्य है कि मेरी बहनें घर के कामकाज के साथ हर महीने 10,000 रुपए भी कमाएं। कि मध्य प्रदेश के बेटा बेटियों को, भाई बहनों को हम रोजगार से लगा सकें। और मुझे ये बताते हुए खुशी है, हमने 12 जनवरी 2021 को पहला रोजगार दिवस मनाया था और पहले रोजगार दिवस में ही पूरे प्रदेश में 5,00,000 से ज्यादा बच्चों को हमने रोजगार के लिए अलग अलग योजनाओं से, स्वरोजगार की योजनाओं से लोन दिलवा के उनका काम धंधा चालू करवाया था। वर्चुअल चर्चा के दौरान बड़वानी की एक हितग्राही से सीएम शिवराज ने हालचाल पूछा। युवती ने भी सीएम से कहा कि आप कैसे हैं। इस पर शिवराज ने कहा कि अगर भांजी बढ़िया है तो मामा भी बढ़िया है। उन्होंने पूछा 5,00,000 का लोन पास करने में किसी ने कोई भेंट, दक्षिणा, पूजा तो नहीं मांगी, जिसके बाद हितग्राही ने जानकारी देते हुए कहा कि नहीं, किसी ने 1 रुपया भी नहीं मांगा। उधर सीएम ने शाजापुर के हितग्राही जितेंद्र पाटीदार से भी चर्चा कर व्यवसाय की जानकारी ली और लोन को लेकर सरकारी विभाग का फीडबैक भी लिया। कार्यक्रम के दौरान एक मौका ऐसा भी था जब सीएम हितग्राहियों को सहायता राशि का चेक और प्रमाण पत्र देते वक्त कंफ्यूज हो गए। वो कंफ्यूजन में किसी और को चेक और प्रमाण पत्र दे दिए। गलती समझ आने पर उन्होंने वापस चेक और प्रमाण पत्र लिया और सही हितग्राही को चेक सौंपा। दरअसल मंच पर मौजूद राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार का एक समर्थक बीच में आ गया था। वो सीएम के लिए गिफ्ट लेकर आया था,
जिसका सीएम से सांसद पाटीदार ने आगे बढ़कर परिचय भी करवाया था, लेकिन सीएम ने उन्हें हितग्राही समझकर चेक और प्रमाण पत्र सौंप दिया। बहरहाल इस कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई घोषणाओं के साथ साथ लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र सौंप दिए।